मेरी मदर भी टीचर रही है और मैं जब छोटी थी तब हम बच्चे खेलते थे टीचर वाला गेम, तो मेरे को टीचर नहीं बनाया जाता था, हमेशा स्टूडेंट बनाया जाता था। तब मैंने सोचा कि मेरे को टीचर ही बनना है। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरा शुरू से मेरा जो इंटरेस्ट है वो गणित और विज्ञान में ही है, तो मैं गणित और विज्ञान की मेरी जो पुरानी किताबें और कॉपियाँ होती थी उनमें मैं राइट लगा के साइन करती थी। फिर थोड़े समय बाद जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरी छोटी वाली सिस्टर को मैंने गणित पढ़ाया और जो हमारे आसपास के मोहल्ले के बच्चे हैं उनको भी मैं गणित और विज्ञान पढ़ाती थी। शुरू से मेरा शिक्षण में रुचि है और मैं इसीलिए शिक्षक बनना चाहती हूँ। गणित से डर नहीं लगा क्योंकि मम्मी मुझे सब्जी लेने और छोटे छोटे जो काम होते थे बाजार से संबंधित वो मेरे से करवाती थी, तो इसीलिए मेरा इंटरेस्ट शुरू से गणित में रहा और विज्ञान में मेरी बहुत अधिक रुचि है। छोटे छोटे जैसे कुछ बाजार से पेंसिलें मंगवाते हैं या कोई भी छोटा काम, जैसे हमारे स्कूल में साफ़ सफाई के लिए झाड़ू मंगवाते हैं तो बच्चों से कैलकुलेशन करवाते हैं कितने, अच्छा एक रुपए की एक झाड़ू इतने रुपए की आती है तो आप पांच झाड़ू लेके आएंगे तो आप हमसे कितने रुपए लेके जाएंगे, या जैसे बड़े बच्चे हैं कक्षा 8 के तो इस तरह के सवाल होंगे कि यदि आपके पिताजी ने किसी से 1000 रुपया उधार लिया, यदि वो इंटरेस्ट 2 रुपये पर सैकड़ा लगाता है तो कितने रुपए आपको 2 महीने या 2 साल बाद आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे। वहाँ पे हम उसको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इसके माध्यम से जब हम उसको पढ़ाते हैं तो उसका बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो खुद कैलकुलेशन करता है बिना पेंसिल पेन की सहायता से। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो दिमाग का स्तर ऊँचा भी होता है और हम समझने की जो हमारी क्षमता है, जो बच्चों का जो मेंटल लेवल है उसको बढ़ाया जा सकता है, और यही मैं अप्लाई करती हूँ क्लास। शुरू में जब मैंने 2005 में मेरी पोस्टिंग हुई तब मैं जैसे रेगुलर पढ़ाते हैं बुक से पढ़ाती थी, लेकिन जब मैंने देखा कि उनका जो जब उनका इवेल्यूशन करा तब मुझे पता चला कि वो जो मैं चाहती हूँ जहाँ तक रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो रिज़ल्ट मुझे नहीं मिल रहा है। बच्चों में लिखने वाली प्रवृत्ति तो विकसित हुई लेकिन क्या वो अपने जीवन में उसको काम में लेंगे, क्या उसमें जैसे एक कहानी थी मीना के उसमें कि एक मैडम अलमारी के नीचे दब गई तो बच्चों ने उसे कैसे निकाला, इस तरह की कहानी सुना के मैंने उसको बताया लीवर के माध्यम से या ऐसा अन्य कॉन्सेप्ट उनको समझाने की कोशिश। बच्चों के मन में वो उतरना ज़रूरी था, इसके लिए उसको जब तक हम प्रैक्टिकली प्रयोग के द्वारा नहीं समझेंगे तब तक हम बच्चों को नहीं समझा पाए। तो मैंने अधिकतर फिर उसके बाद जब मैंने थोड़े 2 साल बाद ही मैंने ये प्रयोग किए और मैंने प्रयोग के माध्यम से ही विज्ञान को पढ़ाना चालू किया। विज्ञान में हम जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए यदि हम प्रयोग के माध्यम से विज्ञान को पढ़ाएं तो बहुत बेहतर ही परिणाम प्राप्त होते हैं, और इसके लिए मैंने कई प्रयोग किए जो साधारण तौर से इकट्ठे किए जा सकते हैं, जिसका मटेरियल हम ज़्यादा रुपयों में नहीं थोड़े उसमें संसाधनों की सहायता से हम उसको डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से गोलीय दर्पण से संबंधित प्रयोग जैसे ध्रुव वक्रता केंद्र, इन सभी को मैंने प्रयोग के माध्यम से ही बताने की कोशिश की और वो बहुत अच्छा रहा। कंप्यूटर के माध्यम से जब मैं साइंस पढ़ाती हूँ, स्पेशली जब साइंस मैं श्वसन तंत्र पढ़ा रही हूँ, उत्सर्जन तंत्र पढ़ा रही हूँ, उस समय मैं हार्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, हार्ट ऐसे काम करता है, वहाँ पे मैं बता रही हूँ श्वसन तंत्र में हार्ट ऐसे काम करता है, लेकिन जब मैंने उसको उसका जो लाइव था कंप्यूटर में वो जब उनको बच्चों को बताया तो कि दिल ऐसे धड़कता है। बच्चों को समझाने के लिए उनके स्तर तक पहुंचना, जिस स्तर पे बच्चा है उसको कहाँ तक का ज्ञान है उसको समझने के बाद ही यदि हम शिक्षण कार्य करवाएं तो वो बहुत अधिक अच्छा रहता, प्रभावी रहता है।